वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम एस सी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपन एम एस सी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए टेंसर एनालिसिस जो उसको पढ़ रहे हैं, यूनिट फिफ्थ जो है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बुक से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है वो देखने के लिए बोला है, तो आप अपने लेवल पर देख लेना। अब अपन यूनिट फोर्थ जो है उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि टेंसर एनालिसिस से ही बनती है। ठीक है, तो टेंसर एनालिसिस से यूनिट फोर्थ जो है उसमें अपने को दो चैप्टर्स जो है यहाँ पे कवर करने होंगे। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है टेंसर अलजेब्रा और मैट्रिक टेंसर्स, चैप्टर नंबर टू, इनको मिलाकर के जो है अपनी यूनिट फोर्थ जो है वो बनेगी। इसमें चाहते तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि आपको जब यूनिट फोर्थ देखने को मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें ये चीज़ है कि जैसे एक क्वेश्चन होगा आपके पास, ये फोर्थ नंबर यूनिट है, तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे तो 7 मिलो चाहे 8 मिलो। ठीक है, लेकिन उनमें भी एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिला, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इस यूनिट में क्या है कि आपको पार्ट ए जो है वो यूनिट एक्सरसाइज फर्स्ट से मिलेगा एंड पार्ट बी जो है वो एक्सरसाइज सेकंड से मिलेगा। ठीक है, तो अपने को दोनों ही चैप्टर्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, और दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में अपनी यूनिट जो है वो अपनी यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन इस क्लास में थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बार बार पूछी गई हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है 99.99%। अब इससे ज़्यादा और क्या गारंटी दूँ आपको। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी शुरुआत करते हैं, और चैप्टर फर्स्ट से जो है वो मैं आपको आने वाले, मतलब चैप्टर फर्स्ट से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइमेट्रिक टेंसर जो है वो क्या होता है। साइमेट्रिक टेंसर, ठीक है, ए टेंसर इज कॉल्ड साइमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू टू कॉन्ट्रावेरियंट और टू कोवेरियंट इंडिकेटर्स इफ इट्स कंपोनेंट्स रिमेन एंटोल्ड अपॉन इंटरचेंज ऑफ द इंडिकेटर्स। सिंपल सा कहा है कि कोई भी टेंसर जो है वो साइमेट्रिक टेंसर कहलाएगा अगर उसके कोवेरियंट और कॉन्ट्रावेरियंट जो हैं, अगर अपन उसके कंपोनेंट्स को क्या कर दें, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंडिकेटर्स को चेंज कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको पढ़ते हैं, ये ए है और इसके पावर में पी क्यू आर हैं एंड बेस में एस एंड टी है, तो इसका जो साइमेट्रिक होगा वो क्या होगा, इसका एक कॉन्ट्रावेरियंट को जो चेंज कर देते हैं, तो क्यू को कर दिया हमने पी की जगह, पी को कर दिया आर की जगह, पी को कर दिया क्यू की जगह, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की पावर क्यू एंड पी आर एज दिस एज रहेगा और एस टी एज दिस एज रहेगा। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या क्या हमने उनके इंडिकेटर्स को चेंज किया है, और यही क्या कहलाता है, साइमेट्रिक टेंसर जो है वो कहलाता है। ठीक है, इज साइमेट्रिक इन पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू के लिए साइमेट्रिक है इफ़ ए की पावर पी क्यू आर बेस ऑफ एस टी इक्वल टू पी क्यू आर बेस ऑफ ए टी एस, तो ये क्या होगा, देन इट इज सैड टू बी साइमेट्रिक इन एस एंड टी, तो ये एस एंड टी के लिए साइमेट्रिक होगा। यानी कि अब की बार हमने इसके बेस में चेंज किया है, तो ये साइमेट्रिक तो है लेकिन इस बार बेस के लिए है, और उस टाइम पर ऊपर वाले फंक्शन के लिए साइमेट्रिक था। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, पूछी गई है। एक बार ऊपर वाले फंक्शन को चेंज किया है, पी एंड क्यू के लिए साइमेट्रिक दिखाया, आप चाहते हो तो इसको क्यू और आर के लिए भी दिखा सकते थे, आप चाहते इसको तो आप आर और पी के लिए भी दिखा सकते थे। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, तो अगर आप इसको साइमेट्रिक दिखा दे क्यू और आर के लिए, तो कैसे लिखते, ए पी क्यू आर और बेस में है एस टी, तो अगर इसको साइमेट्रिक दिखाते क्यू आर के लिए, तो इसको दिखाते ए पी आर क्यू एंड एस टी,
ठीक है, इस तरीके से दिखाना था और कुछ नहीं करना था। सिमिलरली अगर इसको आप आर और पी के लिए दिखाते तो क्या करते, आर और पी की जो जगह उसको चेंज कर देते बस। तो ये थी हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब अपन जानते हैं कि स्क्यू साइमेट्रिक जो है वो क्या होता है। पहले हमने साइमेट्रिक के बारे में जाना, अब स्क्यू साइमेट्रिक के बारे में जानते हैं। ये जो स्क्यू साइमेट्रिक टेंसर है इसको अपन एंटी साइमेट्रिक टेंसर भी बोल सकते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए एंटी साइमेट्रिक की तो वो सेम ही बात है, चाहे आप स्क्यू साइमेट्रिक बोलो चाहे एंटी साइमेट्रिक बोलो। ठीक है, तो एंटी साइमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन क्या होगी कि ए टेंसर इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू टू कॉन्ट्रा वेरियंट और टू कन्वर्ट इंडिकेट्स इफ इट्स कंपोनेंट्स चेंज साइन अपॉन इंटरचेंज ऑफ द इंडिकेट्स। यानी कि अगर अपन इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको साइन के साथ चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे ये देखना एक एग्जांपल, ठीक है। देखो ए की पावर पी क्यू आर था, यहाँ पर आई और जे ले लिया मैंने कोई फंक्शन, तो इसका जो स्क्यू साइमेट्रिक होगा वो क्या होगा, ये साइन चिन्ह आ गया यानी कि माइनस लगा दिया ए आई जे क्यू पी आर। तो ये जो स्क्यू साइमेट्रिक है किसके रेस्पेक्ट में होगा, पी एंड क्यू के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जगह जो चेंज की है पी एंड क्यू की करी है। ठीक है, एंड ए पी क्यू आर आई जे इक्वल टू माइनस ए पी क्यू आर। यहाँ पे देखो अब पी क्यू आर तो सेम है लेकिन जे एंड आई को हमने चेंज कर दिया, तो इट इज़ सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इन आई एंड जे। तो ये जो है साइमेट्रिक किसके लिए होगा, आई एंड जे के लिए साइमेट्रिक होगा। ठीक है, और जैसे ये वाले जो फंक्शन था हमारे पास है ना, इसको अगर मैं जैसे यहाँ पे तो फिलहाल मैंने इसको साइमेट्रिक दिखाया है पी एंड क्यू के लिए, अगर आप चाहो तो क्यू एंड आर के लिए भी दिखा सकते हो। तो चलो बता देते हैं एक बार, ए पी क्यू आर और बेस में है आई एंड जे, तो इसका जो साइमेट्रिक होगा वो क्या होगा, ए पी आर क्यू आई एंड जे। तो ये साइमेट्रिक किसके लिए होगा, तो ये साइमेट्रिक होगा आर एंड क्यू के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, इज स्क्यू, स्क्यू होगा ये स्क्यू साइमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लग चुका है। साइमेट्रिक इज क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर के लिए क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। सिमिलरली आपको क्या करके दिखाना है, पी एंड आर के लिए भी दिखाना है। ठीक है, पी एंड आर के लिए भी आपको साइमेट्रिक यहाँ पे दिखाना है। एज ए प्रैक्टिस आप कर लेना, बाकी डेफिनेशंस तो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है इनर मल्टीप्लिकेशन की। तो इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप एंड मिक्स टाइप ऑफ टू टेंसर फॉलोविड बाई ए कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंट टाइप एंड मिक्स टाइप ऑफ टू टेंसर फॉलोविड बाई ए कॉन्ट्रैक्शन वी ऑब्टेन ए न्यू टेंसर। अगर हम डिफरेंट टाइप का और एक मिक्स टाइप का टेंसर लेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो हमें एक नया टेंसर मिलेगा। ठीक है, वी ऑब्टेन ए न्यू टेंसर कॉल्ड इन इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर। जो हमें टेंसर गिवन है उनके लिए हमें इनर प्रोडक्ट देगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल था, वापस से बता देते हैं कि डिफरेंट टाइप एंड मिक्स टाइप ऑफ टू टेंसर फॉलोविड बाई ए कॉन्ट्रैक्शन वी ऑब्टेन ए न्यू टेंसर कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके लिए है, ए के की पावर आई जे एंड बी की पावर पी बेस ऑफ क्यू आर द आउटर प्रोडक्ट। भाई हमें ये आउटर प्रोडक्ट मिला, इज ए की पावर आई जे एंड के और इनको मल्टीप्लीकेशन है तो बी पी की पावर क्यू आर, मल्टीप्लाई तो करना था। यहाँ पर कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पर जे की जगह सिर्फ क्यू लिया है। ठीक है, वी ऑप्टेन द इनर प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमें जो एक इनर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आउटर था, अब हमें इनर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए की पावर आई जे बेस ऑफ के बी पी जे आर। यहाँ पर हमने ये जो क्यू था है ना, इसको देखना, यहाँ पर जे को क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो जे आर, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या लिखा, सी की पावर आई पी एंड के आर, सी की पावर आई पी एंड के आर। जहाँ पर जो Q था उसको हमने J लिखा, I को हमने R लिखा,
ये लिखना पड़ता है। जैसे ही हम इसका इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाता है एलिमेंट, इसका जो टेंसर है ना वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना, 2013 में पूछी गई है और 15 में भी पूछी गई है यही डेफिनेशन की, इनर मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, और दो नंबर में पूछी गई है। तो सिंपल सी लाइन थी, रट लोगे काम हो जाएगा, समझ लोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है कॉन्जुगेट टेंसर के बारे में, कि कॉन्जुगेट टेंसर जो है वो क्या होते हैं, या आप इसको रेसिप्रोकल टेंसर के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए कि टू सेकंड ऑर्डर साइमेट्रिक टेंसर ए आई जे एंड बी की पावर में आई जे है, वन कॉन्ट्रावेरियंट एंड द अदर कॉन्ट्रावेरियंट आर सेड टू बी कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर इफ दे सेटिस्फाई द इक्वेशन ए आई जे बी की पावर आई के इक्वल टू डेल जे पावर में के एंड मोड ऑफ ए आई जे मल्टीप्लाई मोड ऑफ बी आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनका जो मोड होगा और उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो जीरो के बराबर में नहीं होगा। तो कोई भी सेकेंड ऑर्डर साइमेट्रिक टेंसर जो है वो अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है दैट वो उसका कॉन्जुगेट टेंसर जो है वो होगा, जिसे अपन रेसिप्रोकल टेंसर के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उससे इस तरीके की लगभग चार डेफिनेशन जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने आपको चारों ही बता दी हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर वही करवाया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, है, और 99.99% में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहीं से आएगा क्वेश्चन, बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी क्वेश्चन को। पिछले 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस पिछले 10 साल के पेपर एनालिसिस के आधार पर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद में यूनिट को कंटिन्यू रखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है वो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। थ्योरम में कहा गया है कि द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए कॉन्ट्रा वेरियंट वैक्टर इज ट्रांजेटिव, यानी कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के नियम हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग जो इसका जो कॉन्ट्रा वेरियंट वैक्टर होगा वो ट्रांजेटिव होगा, ये पूछा इसमें, और हमें ये वेल डिफाइन बताना है। तो प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रा वेरियंट वैक्टर रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स की पावर आयोटा बी ए की पावर आयोटा एंड रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स की पावर जे बार बी ए की पावर जे बार, देन बाय कॉन्ट्रा वेरियंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए की पावर जे बार इक्वल टू डेल एक्स की पावर जे बार अपॉन डेल एक्स की पावर आयोटा ए आयोटा। ठीक है, नाउ ए फर्दर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स की पावर जे बार टू एक्स की पावर डैश के द न्यू कंपोनेंट्स ए की पावर डैश के बाई कॉन्ट्रा वेरियंट लॉ मस्ट बी गिवन बाई ए की पावर डैश के इक्वल टू एक्स की पावर सॉरी डेल एक्स की पावर डेल के अपॉन डेल एक्स की पावर जे बार एंड ए की ए बार जे। देन इसको किया इन्होंने इक्वेशन नंबर, यानी कि इस इक्वेशन और इक्वेशन को क्या किया इसने, कॉम्बिंग कर दिया, मिक्स्ड कर दिया। तो मिक्स्ड करेंगे तो हमें मिलेगा ए की पावर आई जे। मिक्स तो क्या कर दिया, सिंपल सा आप देख सकते हो, ये जो है ना यहाँ पे ए आई जे, ये इसकी वैल्यू ए आई जे बार की वैल्यू यहाँ पर रखी है और कुछ नहीं किया, तो वैल्यू रख दी। और हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये और ये फंक्शन कट जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, देन हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि दिस शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रा वेरियंट वेक्टर इज ए ट्रांजेटिव।
ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर जो था वो ट्रांजिटिव यहाँ पर हो गया है। तो इसकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ती हैं। तो बढ़ते हैं अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसकी तरफ। सो हमारे यहाँ पर थ्योरम जो है वो क्या है, ए साइमेट्रिक टेंसर इज साइमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हैज एट मोस्ट फंक्शन देखना n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ओके, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए वी एन, डिफरेंट्स कंपोनेंट्स इन ए वी एन, ओके। तो ये हमारी थ्योरम है जो पूछी गई है 15, 17, 19 में पूछी गई थी क्या? ध्यान नहीं है 19 का पेपर, सॉरी 19 में नहीं पूछी गई शायद, है ना, ओके। तो 15 और 17 में पूछी गई है, हो सकता है 19 में पूछी गई हो, अभी वो पेपर मुझे दिख नहीं रहा, ओके। तो करते हैं इसको सॉल्व, प्रूव करते हैं भाई। देखो हमने क्या माना, समझ लेना एक बार ध्यान से, है ना, अपनी बुद्धि मत लगाना वरना कंफ्यूज जाओगे। लेट ए आई जे बी ए साइमेट्रिक टेंसर, बी ए साइमेट्रिक टेंसर, ये क्या माना हमने, एक साइमेट्रिक टेंसर माना ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू, ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू एंड टोटल नंबर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन द एरे ए डबल आर ए वाई, ये अलग से ए आर ई है, ए डबल आर ए वाई, अब आप इसका प्रोनंसिएशन क्या करोगे देख लेना, मैं तो एरी करता हूँ, इन ए वी एन, ठीक है। देन जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो क्या होगी, ए 11 ए 12 और इस प्रकार ए 1 एन होगी, इसी प्रकार ए 21 ए 22 और चलते चलते कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से टकरा जाएगी। इसी प्रकार कुछ अनदर फंक्शन होंगे, चलते रहेंगे तो यहाँ पर कहीं 31 होगा फिर 41 होगा, है ना, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, ए एन वन ए एन टू और ये चलते चलते कहीं ए एन और एन हो जाएगी, ये मैट्रिक्स थी हमारी। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एन स्क्वायर आउट विच ऑल एन ओल्ड एन, एन एन यहाँ पे जो है ना ये नेचुरल नंबर के लिए काम में लिया गया है, ओल एन डायगोनल, डायगोनल की स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, टर्म्स विल बी डिफरेंट एंड द रेस्ट n square minus n will be equal in pair due to symmetric property, ठीक है।
साइमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। द नंबर ऑफ सच पेयर्स विल बी द नंबर ऑफ सच पार्ट्स, मान लो पार्ट्स विल बी क्या होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। हैंस द टोटल नंबर ऑफ हैंस द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की बात हो रही ना, कंपोनेंट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। देन इसको क्या लिखेंगे, टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एंड एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू। देन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ ऑफ एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, सही है क्या, आ रहा होगा समझ, इतना तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, यही तो पूछा था, अरे यही तो पूछा था पागल बच्चों, सॉरी पागल बोल दिया आपको, है ना, यही तो पूछा था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट कर लेते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर वास्तव में ही ऐसा हुआ है क्या, ये चीज़ भी जान लेते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कोलेरी। ठीक है, ये क्या होगा, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन द नंबर ऑफ इन डिपेंड कंपोनेंट्स इन ए आई जे के। ठीक है, हमने मान लिया ऐसा, विच इज साइमेट्रिक इन आई एंड जे इज क्लियरली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन, एक और एन लग जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको तो कुछ भी नहीं लिखना ना, इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें ये कंपोनेंट्स जो वो मिल जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। ए साइमेट्रिक टेंसर ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर हैज एट मोस्ट एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए वी एन। ठीक है, याद रहेगा ये जो थ्योरम है ना, ये आपसे इसका जो स्टेटमेंट जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, सिंपल ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो देखना, पूछी गई है 2013-11 में, मैं पेपर एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ मैं तो, है ना। तो थ्योरम क्या है, ये हमारा जो इनर मल्टीप्लिकेशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी पर बेस्ड है। एन इंटेंटी आइडेंटिटी बोल सकते हैं, हाँ, हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्री टेंसर, ये क्या है, आर्बिट्री टेंसर है, आर्बिट टेंसर इज ए टेंसर, ये भी एक टेंसर होगा, ओ माय गॉड, इज इट सेल्फ ए
टेंसर, ओ माय गॉड, टेंसर को भी टेंसर और फिर उसको भी आर्बिट्री टेंसर, अजीब है ना थ्योरम, सॉल्यूशन अजीब नहीं है पर इसका। चलो समझाते हैं आपको थ्योरम में क्या कहा। इसमें ये कहा है कि कोई इनर प्रोडक्ट है जो आर्बिट्री टेंसर होने के साथ साथ खुद एक टेंसर है और उसका भी एक टेंसर है, ठीक है, यही चीज़ें हैं इसमें। तो वेल डिफाइन करें इसको, चलो इसको प्रूव करते हैं। थैंक गॉड लाइट आ गई। द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स की पावर आयोटा, द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स की पावर आयोटा, ये हमने माना। लेट ए आई जे के बी द गिवन आइडेंटिटी, लेट बी की पावर आई जे एंड बेस ऑफ एम बी एन आर्बिट्री टेंसर, ये क्या है, एक आर्बिट्री टेंसर है हुज इनर प्रोडक्ट विद कुछ इनर प्रोडक्ट विद ए आई जे के इज ए टेंसर, ये क्या है, सी एम के, ठीक है। देन इसको हमने मान लिया ए आई जे के और बी की पावर आई जे और बेस ऑफ एम इक्वल टू सी एम के, इसको हमने कोई नाम देते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी शो दैट ए आई जे के इज ए टेंसर, ये सिद्ध करना है। द ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ी थी ना उसके अकॉर्डिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट, क्या माने ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट, एक्स की पावर आयोटा एक्स के ऊपर बार, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका। देन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ए बार पी क्यू आर बी बार पी क्यू और ये एन इक्वल टू सी एन आर और इसके ऊपर बार, इसको कोई नाम देते। क्वेश्चन नंबर टू आ रहा समझ, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट लगाया है, बट ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या कहती है, बार ओ पी पी क्यू है ना, पी पी क्यू और बेस ऑफ एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स की पावर आयोटा, डेल एक्स की पावर आयोटा मल्टीप्लीकेशन होगी डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स आयोटा, और ये जो है मल्टीप्लाई होगी डेल एक्स की पावर एम अपॉन डेल एक्स की पावर बार एन से, और उसके बाद होगा बी आई जे एम, ठीक है, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। और इसी प्रकार क्या होगा, जो हमारा सी एन आर है वो क्या होगा, एक्स की डेल एक्स की पावर एम इंटू डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स की पावर माइनस एन डेल एक्स की पावर माइनस आर सी एम के, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर से आप देखेंगे, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर, देन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर हमें मिलेगा ए बार पी क्यू आर मल्टीप्लाई डेल एक्स की पावर माइनस पी इंटू डेल एक्स की पावर माइनस क्यू इंटू डेल एक्स की पावर
ये माइनस नहीं है, ये बार है, ठीक है ना, एक्स के ऊपर बार है ये, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट है। वो भाई वो, अच्छा डेल एक्स की पावर आयोटा इंटू डेल एक्स की पावर आयोटा इंटू डेल एक्स की पावर माइनस एन, वैल्यूज हैं बाकी कुछ नहीं है, बी आई जे एम, जो बराबर होगी डेल एक्स की पावर एम अपॉन डेल एक्स की पावर माइनस एन इंटू डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स की पावर आर, और ये बार है ना कि माइनस है, सी एम के। इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना है, सी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, पुट द वैल्यू सी एम के, ठीक है, वैल्यू का मान रख दें यहाँ पे इस वाले में, तो ये बराबर वाली कंडीशन देखो, ये तो है ही, ये तो बराबर चल रहा है सारा फंक्शन यहाँ से, तो ये जो यहाँ से बराबर वाले हैं इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ सिंपल सा, तो डेल एक्स की पावर एम अपॉन डेल एक्स बार एन इंटू डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स बार आर, और सी एम के की जो वैल्यू है वो है ए आई जे के बी आई जे और बेस ऑफ एम, वैल्यूज रखिए और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, एल एच एस और आर एच एस जो हैं इनको एक कर देते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है आर एच एस आर एच एस इसको एल एच एस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सबस्ट्रे कर देंगे, ठीक है, सबस्ट्रेक्शन, तो हमें मिलेगा, और सबस्ट्रेक्शन करने के साथ साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैं डेल एक्स की पावर एम अपॉन डेल एक्स की पावर एन, और एक्स की जो बार है डेल एक्स की पावर बार एन को मैं कॉमन लेके और सबस्ट्रेक भी कर रहा हूँ साथ में, और आर एच एस एस को एल एच एस साइड पर लेके कर रहा हूँ, ठीक है। अकबर एक छोटी स्टेप मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो कर लेना आप एक बार, एक स्टेप और बढ़ा लेना अगर समझ नहीं आए तो, जैसा बोला है वैसा कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा आई इंटू डेल एक्स की पावर जे माइनस डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स की पावर डेल एक्स बार की पावर आर, और ए आई जे एंड के, ठीक है। और इन बोथ साइड हमें एक फंक्शन और बच जाएगा यहाँ पर, वो बच जाएगा बी आई जे और बेस ऑफ एम इक्वल टू ज़ीरो, ये इसके बाहर है, इस लाइन के बाहर, ये जो दिख रहा ना आपको, ये इसके बाहर, इस वाले के, इस कोष्टक के बाहर रे, मतलब है ना। तो इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका, शो इनर मल्टीप्लिकेशन, इनर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट दिखाने उसके लिए, तो इनर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार की पावर एन अपॉन डेल एक्स, और इसको हमने कोई अनदर फंक्शन मान लिया एस, ठीक है, इस तरीके से मान लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं डेल एस और एम, और जो फंक्शन हमारे पास अंदर था वो ऐसा कैसा रहेगा, पी क्यू आर डेल एक्स बार पी इंटू डेल एक्स बार क्यू, और दोनों के अपॉन में डेल एक्स आयोटा एंड डेल एक्स जे, इसके नीचे जे है उसके नीचे आई है, माइनस डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स बार आर ए आई जे के, और इस पूरे के बाहर है बी आई जे, और एम जो था उसको रिप्लेस कर दिया एस से, ठीक है, और इसको कोई नाम दे दे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्या पता था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिंस बी आई जे एम
इज ए आर्बिट्री टेंसर, ये क्या है, एक आर्बिट्री टेंसर है, ठीक है। सो वी कैन अरेंज, सो वी कैन अरेंज दैट ओनली वन ऑफ, दैट ओनली वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके सिर्फ इसे एक कंपोनेंट्स को अगर हम क्या कर दें, नॉन जीरो बना दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार पी क्यू आर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स की पावर आयोटा इंटू डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स की पावर जे बराबर, माइनस था बराबर ले गए, डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स बार की पावर आर और ए आई जे के, इसको कोई नाम दे दे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगेन इन इंटर मल्टीप्लीकेशन, इनर मल्टीप्लीकेशन, जो अपनी इनर मल्टीप्लीकेशन की जो डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल एक्स की पावर आई अपॉन डेल एक्स की पावर माइनस एम इंटू डेल एक्स की पावर जे अपॉन डेल एक्स की पावर बार एम, ये जो बार लगना है ये माइनस नहीं है, ये वाला जो फंक्शन है ये माइनस नहीं है, ये बार है, हो जाता है कभी कभी, चलो कोई नहीं। हाँ तो अगर हम इसका इनर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर काम में लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बार पी क्यू आर एज दिस एज रहेगा, और इसको मैं क्या दिखा सकता हूँ, डेल पी एम एम डेल क्यू एन बराबर डेल एक्स की पावर के अपॉन डेल एक्स बार इंटू आर, और इसको इनर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एक्स की पावर आई अपॉन डेल एक्स बार एम इंटू डेल एक्स की पावर जे अपॉन डेल एक्स बार एन, एंड ये यहाँ पर आई ए आई जे बचा हुआ था तो ए आई जे एंड के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार, यहाँ पर ये बार है, एम एन आर इक्वल टू डेल एक्स आयोटा अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स जे अपॉन, यहाँ पर ये जे है, एंड डेल एक्स बार एन एंड डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आर ए आई जे एंड के, एंड के अरेंज किया मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो ये जो इक्वेशन आना ये क्या सिद्ध कर रही है, ये हमारी मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट हो गए, कौन से तीन प्रोडक्ट हो गए, तो ये क्या है, एक थर्ड ऑर्डर टेंसर है ना। दिस इक्वेशन शो दैट ए आई जे एंड के, तो ये ए आई जे एंड के यानी कि तीन टेंसर हो गए, तो ये क्या हो गई, इज टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, थर्ड ऑर्डर टेंसर जो है यहाँ पर हमें मिल गई है, ओके। तो इस प्रकार हमारी थ्योरम नंबर टू जो है वो कंप्लीट होती है। इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्री टेंसर इज ए टेंसर इज इट्सेल्फ ए टेंसर, ध्यान रहेगा, सिंपल सी है। अब अपन एग्जाम्पल टू विषय दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये बुक का, ठीक है। इसमें कहा है इफ ए आर एस इज स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक एंड बी बेस ऑफ आर एस इज साइमेट्रिक, प्रूव दैट
ए की पावर आर एस बी बेस ऑफ आर एस इक्वल टू ओ, ओ कर लो या फिर जीरो कर लो, जो भी है आपका, ठीक है। तो वेल डिफाइन करें इसको, सिंपल सा था। देखना सॉल्यूशन कि हमें क्या गिवन है, गिवन दैट कि एक की पावर आर एस, तो इसकी स्क्यू साइमेट्रिक है, तो आर एस का जो स्क्यू साइमेट्रिक है वो क्या होगा, माइनस एक की पावर एस आर होगा। एंड हमें गिवन है बी आर एस, तो इसका जो साइमेट्रिक है ये, तो ये साइमेट्रिक कब होगा, बी एस आर होगा, तब होगा भाई। ये तो स्क्यू साइमेट्रिक डेफिनेशन से है और ये साइमेट्रिक के डेफिनेशन से है, हमें गिवन है ये ए की पावर एस, ये क्या है स्क्यू साइमेट्रिक है, एंड बी आर एस ये क्या है साइमेट्रिक है। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया और सिंपल था इसको बता दिया। नाउ चेंजिंग द डमी, नाउ चेंजिंग द डमी, जिसकी डमी आइडेंटिटीज है उनको चेंज करते हैं, तो हमें मिलेगा ए आर एस बी आर एस इक्वल टू ए एस आर बी एस आर बराबर माइनस ए आर एस बी आर एस। अब आप कहोगे कि यार ये क्या चेंज कर दिया आपने, तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। किया होगा थोड़ा बहुत, तो ध्यान से देखोगे तो तो क्या करें अभी, ये जो फंक्शन है आर एस बी आर एस, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा टू, इसको ये तो था ना, इसका चेंज करें डमी भाई, ये तो था हमारा फंक्शन, इसको चेंज किया तो ये डमी चेंज हो गया इसका, यहाँ पे इसको इस साइड ले आते हैं, ए एस आर बी एस आर प्लस ए की पावर आर एस और बी आर एस, ठीक है, इक्वल टू ओ, देन ये हो जाएगा टू ए एस आर बी एस आर इक्वल टू ओ, ठीक है। देन इसको लगाओ सपोर्ट, ये जाएगा यहाँ पे, इसको गिरा दिया नीचे, तो ये हो जाएगा बी एस आर इक्वल टू ओ, यही तो बताना था हमें, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, आ गया समझ, सिंपल था। एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल और आपको गिवन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर जान लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 8 था बुक का, इसमें कहा है कि इफ़ फाई इक्वल टू ए आई जे ए की पावर आई एंड ए की पावर जे, देन वी कैन ऑलवेज राइट फाई इक्वल टू बी आई जे ए आई ए जे, जहाँ पर हमें गिवन है वेयर बी आई जे इज साइमेट्रिक, ठीक है। तो इसका ये जो वर्ड है ना साइमेट्रिक, इसका बड़ा रोल यहाँ पर प्ले होने वाला है। इसका सॉल्यूशन देखना कि हमें गिवन है फाई इक्वल टू ए आई जे ए की पावर आई एंड ए की पावर जे, इसको क्या नाम देते हैं इक्वेशन। इस पर हम क्या करेंगे, चेंजिंग द डमी, इसके डमीज को चेंजिंग देंगे, तो हमें मिलेगा फाई ए आई और जे था तो जे एंड आई कर देते हैं, और इसको कर देते हैं जे को पहले ले आते हैं ए को बाद में ले आते हैं, कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू। देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, देन आप देख पाएंगे कि फाई प्लस फाई इक्वल टू ए आई जे ए की पावर आई ए की पावर जे प्लस ए जे आई ए की पावर जे ए की पावर आई, यहाँ से मिलेगा आपको टू फाई इक्वल टू ए आई जे प्लस ए जे आई, और कॉमन आ जाएगा ए की पावर आई ए की पावर जे, आया कि नहीं आया। इस दो को बहुत साइड ले आते हैं, तो आर एच एस साइड लेकर के आएंगे, तो हाफ ऑफ ए आई जे प्लस ए जे आई ए आई एंड ए जे, ठीक है, विच इज साइमेट्रिक, विच इज साइमेट्रिक, ठीक है।
दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी है, कि इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो फाई है, अगर यहाँ पर मैं ये मान के चलूँ कि फाई इक्वल टू बी आई जे, है ना, कि इफ़ फाई इक्वल टू बी आई जे, देन यहाँ पर अगर मैं बी आई जे रख देता हूँ तो ये मिलेगा मेरे पास ए आई जे प्लस ए जे आई। यहाँ पर ये ए आई और ए जे जो है, इसकी वैल्यू मैंने बी आई जे ले ली, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जनरली जैसे जैसे यूज आएगी अपन इसका यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अपनी क्या होगी, देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ़ ए आयोटा एंड बी आयोटा आर आर्बिट्री कॉन्ट्रावेरियंट वेक्टर एंड सी आई जे ए की पावर आई बी की पावर जे इज एन इनवेरियंट, शो दैट सी आई जे, ये तो सी आई जे है, इज ए कोवेरियंट टेंसर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, यानी कि सी आई जे जो है ये कोवेरियंट टेंसर होगा किसी सेकेंड ऑर्डर के अंदर। और हमें गिवन कंडीशन जो है वो ये है, आर्बिट्री टेंसर के बारे में बोला है वेक्टर के सी आई जे ए आई जे बी जे के बारे में, ठीक है। सो हमें यहाँ पर गिवन क्या था कि सिंस सी आई जे ए की पावर आई बी की पावर जे इज इन इनवेरियंट, तो ये क्या थे, इनवेरियंट ही हमें गिवन है क्वेश्चन में। देन वी हैव सी आई जे ए की पावर आई बी की पावर आई इक्वल टू, इसका अगर इनवेरियंट है तो इनका इनवेरियंट लगा देंगे, है ना, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सी बार पी क्यू ए बार पी बी बार क्यू, इसको हमने कोई नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए आयोटा एंड बी जे आर कॉन्ट्रावेरियंट वैक्टर्स हैं, ये क्या हैं, दोनों ए आयोटा एंड बी जे क्या हैं, कॉन्ट्रावेरियंट वैक्टर हैं। देन ए बार पी इक्वल टू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आयोटा ए आयोटा, इक्वेशन नंबर टू। एंड बी बार क्यू इक्वल टू एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स आयोटा बी जे, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। देन यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि आप एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे, तो ए बार पी एंड बी बार क्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो पुट आउट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट आउट करेंगे और इसको एल एच एस साइड पर लेकर के जाएंगे, ठीक है, ले जाएं। चलो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ पर देख लो, है ना, इसके बाद से इक्वेशन टू एंड थ्री पुट इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन को अगर मैं पहले कुछ इस तरीके से लिखूं, लाइक सी आई जे ए की पावर आई बी की पावर जे माइनस सी बार सॉरी ये बेस ऑफ पी क्यू, ऊपर नहीं है ये, और एक बार पी बी बार क्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। सी आई जे ए की पावर आई बी की पावर जे माइनस सी बार पी क्यू, एंड ए बार पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये है डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आयोटा ए आयोटा, ओके, और मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट जो डेफिनेशन है ना अपने, वहाँ ये इसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है एंड बी जे। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे ए आयोटा एंड बी जे, है ना, तो ए आयोटा और बी जे जो है ये कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनको ये कॉमन ले लिया यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से सी आई जे बचेगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सी आई जे है यहाँ पर, एंड यहाँ पर सी बार पी क्यू है, और जो फंक्शन है एक्स की पावर बार पी अपॉन एक्स डेल एक्स की पावर आई, और यहाँ से डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स आई, तो ये बच जाएगा यहाँ पे, इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर कोई फोर। बट ए आयोटा एंड बी जे बींग आर्बिट्री वैक्टर, हम जानते हैं भैया, तो जानते क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आर्बिट्री वैक्टर हैं, सो इट्स फॉलोज दैट ए आई बी जे इज एन आर्बिट्री टेंसर, तो ये फॉलो करेंगे आर्बिट्री टेंसर, फॉलो करेंगे तब हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ से सी आई जे की वैल्यू क्या होगी,
सी आई जे, भाई ये तो सारा फंक्शन जीरो के बराबर था, इसको उठाएंगे और एल एच एस साइड पर, आर एच एस साइड पर लेके जाएंगे, देन हमारे पास सी आई जे इक्वल टू सी बार पी क्यू एक्स की पावर बार पी अपॉन एक्स डेल एक्स आयोटा इंटू डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे, यहाँ पर ये जे है, ठीक है। विच इज़ द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रा वेरियंट वैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू, यानी कि ऑर्डर ऑफ टू या फिर सेकेंड ऑर्डर, एक ही बात है। आगे समझ, विच इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रा वेरियंट वैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू या सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं टेंसर आई और जे, अगर आपको आई जे एंड के दिखते तो फिर वो ऑर्डर ऑफ थ्री होता। आगे समझ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़े या फिर यहीं रोक दें, क्योंकि 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, और देन इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और अपना जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने सोचा था कि चैप्टर फर्स्ट के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, बट ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा हो गई है रूम के अंदर, तो इसको यहीं पर रोकते हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बच जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा, ठीक है। लाइट भी चली गई, थैंक गॉड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपको इन थ्योरम से, इन एग्जांपल से, इन डेफिनेशन से कोई बात समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ क्या कर सकते हैं, कमेंट कर लेना और पूछ लेना कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और अपनों से